सो अभी हम जा रहे हैं टेंट पिच करने, थोड़ी सी देर के लिए कैंपिंग करेंगे यहाँ पर इस साइट पर। बहुत ही बढ़िया ग्रीनरी है यहाँ पर, एकदम कारपेट टाइप ग्रास है यहाँ पर। सो विक्रम जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, इट्स फैंटास्टिक। अब देखो हम अपने छोटे से घर में भी कितने खुश लग रहे हैं। अच्छा, आप ये घर आप ऑडियंस को बाहर से दिखाना। अच्छा, अभी दिखाता हूँ। रविंदर जी आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये फर्स्ट टाइम? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है, इस साइड भी पहली बार आए हैं और ये टेंट का टाइम भी हमारा पहली दफ़ा का ही है। फर्स्ट टाइम हम कैंपिंग कर रहे हैं आउटडोर में, छोटा सा ट्रैक था और अच्छी कैंपिंग, और मैं साइकिलिंग करके आया हूँ ऑल द वे फ्रॉम वीड टू विलिंग 15 किलोमीटर, और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से बाहर का व्यू इस टेंट के साथ में। ये बहुत ही बढ़िया एक ग्रीन कारपेट का एरिया है। चलता हूँ बाहर अभी। सो ये है हमारा टेंट यहाँ पर, और ये है सराउंडिंग का नज़ारा। ये सामने ग्रीन कारपेट बिछे हैं, ये है यहाँ पर टेक ऑफ साइट पैराग्लाइडिंग की। दिस साइट इज अमंग द वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट एंड वर्ल्ड्स बेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट विलिंग। सो वापस से चलते हैं अभी टेंट के अंदर। सो अभी देखते हैं, आधा एक घंटा रेस्ट करते हैं, मौसम का एंजॉय करते हैं, और इसके बाद निकलते हैं वापस अपनी मंजिल की तरफ। वैसे तो जाना आज हमें था बरोट, लेकिन यहाँ आके भी हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। सो चलिए अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। कुछ देर तक अपने टेंट में बैठकर रेस्ट करते हुए इन बादलों को निहारने के बाद मैं निकल पड़ा अपना कैमरा उठाकर इस जगह की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने के लिए। हमने और भी ऊपर तक इस जगह को एक्सप्लोर किया, और यकीन मानिए ऊपर से नज़ारा और भी खूबसूरत था। वो कहते हैं ना, द बेस्ट व्यू comes after the toughest climb। So finally अब समय था वापस जाने का, और हम निकल पड़े वापसी की तैयारी। कुछ देर तक यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है हमने, और आसपास का जो एरिया है उसको भी एक्सप्लोर किया है। यहाँ पर काफ़ी बादल और धुंध जैसा यहाँ पर पूरा मौसम हो रहा है, तो अभी हम सोच रहे हैं कि क्यों ना अब वापस घर की तरफ चला जाए। तो अभी हम अपने टेंट को करते हैं अनपिच और मूव करने के लिए तैयार होते हैं। सो लेट्स गो। सो दैट्स इट फ्रॉम द कैंपिंग साइट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको एक लाइक ज़रूर कर देना। हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना। और जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ फ्रॉम वीड विलिंग, कीप पैडलिंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, वीड विलिंग वैसे तो दुनिया के नक्शे पर बहुत ही चर्चित जगह है, और हर किसी को इस जगह के बारे में पता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप यहां आना चाहते हैं तो आप बस या ट्रेन दोनों माध्यम से यहां पर पहुंच सकते हैं। और वीड विलिंग कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बैजनाथ के आसपास ही पड़ता है।
यहाँ पहुँचने के लिए आप कांगड़ा या मंडी दोनों तरफ से बाय बस या बाय रोड आ सकते हैं। NH-20 मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर चौंतरा के पास बीड़ की तरफ को रोड मुड़ता है और यहाँ से बिलिंग का सफ़र लगभग 18 किलोमीटर का है। ये मोटरेबल रोड है और आप अपना कोई भी व्हीकल लेकर बिलिंग तक पहुँच सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये जगह पसंद आई हो और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि इसी तरह के आने वाले वीडियो और भी बेहतर जगह मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा सकूं। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।